पाकिस्तान की तो सख्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सख्त जरूरत है क्या बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उससे पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ है कोई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है या इंडिया के कदम कोई कमी होगी हम एक हजार साल तक लड़ेंगे कश्मीर के लिए कि हम अलग हो जाएं हिंदुस्तान से हम दूर रहे हिंदुस्तान से इट वर्क भारत हमसे बहुत आगे जा रहा है तरक्की इस में इसमें कोई शक नहीं एंड आई आई एम एम विद विद इट इट हैप्पी हम तरक्की नहीं कर रहे तो ये इसके साथ उनको कहना कि इनकी तरक्की को ये गलत होगा कि पाकिस्तान किस आ, किस तेजी के साथ डूब रहा है जो एक इंतहाई खतरनाक सिनेरियो है भारत उन लोग उन मुल्कों के साथ ताल्लुक अच्छे रखते हैं जिधर ट्रेड होता है इकोनॉमिक्स होता है भाई पैसे वो पैसे इन्वॉल्व होता है उनके इकोनॉमी बेनिफिट करता है अगर वो खरीदें उधर से और फरु, खरीद फरोख्त तो बिलावल भुट्टो ने भी जो जुबान की उसके ऊपर मुझे तो बहुत एतराज भी इसकी है कि मेरा अच्छे मजे की बात यह है कि ये फॉरन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी एक पार्टी का जिसका प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर शाहबाज शरीफ और जितना भी शरीफ कोशिश करे एंटी इंडिया स्टांस बनाने के लिए वो एंटी इंडिया वो है नहीं है अगर देखा जाए तो इसमें नुकसान किसका है पाकिस्तान का है डॉलर आपका मिल नहीं रहा आपका आपकी सब्जियां कराची पोर्ट पे गल सड़ रही हैं आईएमएफ की यहाँ क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं और उसके बाद ये है कि आप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है फाइनेंशियल और अगर पर्सनली देखा जाए तो इस वक्त किसी भी पार्टी आ, के पास कोई रोड मैप मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक को किस तरह इंप्रूव करना है और हर पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी को भी ये पता है कि जब तक आप अपने पाओ पे खड़े नहीं होंगे ये हकीकी आजादी जो है एक खाब है एक फिक्शन है ये गलत ट्रक की बत्ती है आप आजाद नहीं हो पाएंगे जहां से पैसे मांगेंगे जो क्योंकि आज भी आजकल भी मांग रहे हैं चाहे सऊदी अरेबिया से मांगे चाइना से मांगे वहां की सात टर्म्स साथ आती हैं थी। BBC ने एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री उसके बारे में बताई और खास कर जो uh, हमारे आर्मी जनरल वहां पे न्याजी साहब उनके बारे में उन्होंने कई uh, चीजें दिखाई और मैं जो नए इंकशाफा कल मेरे uh, नजर से गुजरे हैं कि भारत का मीडिया क्या कह रहा था उनके बारे में तो बिलखसूस एक जो है उनके बारे में मैं उनकी बात जरूर कोट करूंगा वो कहते थे कि हमारा अभी नंदन आया था तो एक एक कप चाय का आपने पिलाया तो आप उसका बहुत जितराते हैं लेकिन आपके पचानवे हजार लोगों को हमने ढाई साल खाना खिलाया न्याजी साहब को बिस्की पिलाते रहे हैं गांफ खेलते रहे हैं और हम उनके लिए पाकिजा मूवी ला के उनको चला के दिखाई थी उनका उनके अवसरों को उन्होंने कल के बारे में ये बताया आ, और न्याजी साहब के बारे में और जो इंकसा इंकसाफ उन्होंने किया कि जो मेजर जनरल और ब्रिगेडियर रैंक के लोग थे न्याजी साहब मुसलसल उनको कमेंट्स करने की कोशिश करते थे कि अगर वापस जाए तो हमारा बयानिया एक होना चाहिए अगर और, और फ्यूचर में अगर आप किताबें लिखोगे तो कोशिश करना कि मुझे ज्यादा बदनाम ना करना लेकिन यह कि और तीसरी बात जो कल मुझे पहली दफा पता चली है कि न्याजी साहब की एक सबसे बड़ी रीजन हथियार डालने की यह थी कि उन्हें पता चल चुका था कि अगर इंडियन आर्मी उन्हें इंडियन आर्मी शायद छोड़ देगी लेकिन मुक्ति पानी के लोग उनको मार देंगे तो उन्होंने वालों से जान बचाने के लिए इंडियन आर्मी के सामने डाल के अपनी जान बचाई थी और आखिरी दिन तक अगर आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखें तो आखिरी दिन तक स्टेटमेंट देते रहे कि मैं टैंक के नीचे आके मरना पसंद करूंगा तो पता नहीं फिर वो भाग क्यों गए उसमें मुझे इस बात की समझे नहीं आए टैंक के नीचे लेटे नहीं यानी हमेशा से हमारे नारे लगते हैं टैंक के नीचे लेटेंगे लेटा कोई नहीं आज आलिया उसमें सब मैं देखे मैं खुद पंजाबी हूं आ, और मैं इस पे पंजाब पे बड़ी रिसर्च कर चुका हूं अपने डीएनए एन पे रिसर्च कर चुका हूं अपने माजी पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुका हूं वी आर नॉट फाइटर्स हम हमेशा, हमेशा जो फॉरेन इन्वेडर्स आते रहे हैं आ, उनको गले, गलों में हार डाल के उनका करते रहे हैं आ, एक ही हमारा दो कुछ लोग थे हमारे हीरो महाराजा रंजीत सिंह था मैं फील वेरी प्राउड ऑफ हिम मैट फैक्ट क्योंकि मैं खुद जट ट्राइब से हूँ

साजिद साहब हम बस सिर्फ बड़के लगाने के उसपे हैं बहुत ज्यादा लगाते हैं और ऐसी ही एक बड़क की जो है वो कहानियां दूर दूर तक फैली हुई है नहीं, आली आली पहले, अच्छा, मे, मेरा, मैं आप पे छोड़ दूंगी सर आप मैं कहूंगी ओवर टू यू आप मेरी बात तो सुन लेना सर मेरा इसमें यह कहना है अभी हमने ये बात की सरेंडर करने की हम बात 71 की हमने देखा हमें पता है कि वहां पे उस वक्त क्या क्या कुछ हुआ अभी नए इंकशाफात आप बता रहे हमने क्या वहां पर यूएन असेंबली में पहले वो पेपर फाड़ के हमने क्या हासिल कर लिया क्या बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उससे पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ है कोई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है आ, या इंडिया के कदम में कोई कमी होगी या या बिलावल भुट्टो के कदम इससे इजाफा होगा इस वजह से इस ये किया गया है मुझे तो इसकी कोई फायदा अगर है कुछ तो बता दीजिए सर नहीं आलिया मैं अगर आप इस चीज की बात करेंगे तो मैं आप आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा आप मुझे ये बताएं आपके इस वक्त पाकिस्तान के जिन जिन के साथ बॉर्डर लगते हैं किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं अफगानिस्तान देख लें ईरान देख लें चाइना देख लें भारत देख लें यही बॉर्डर लगते हैं आपके किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हों आप भारत की मिसाल ना दे ईरान ने क्या बिताड़ा आपका अफगानिस्तान आपने पाल पाल के उनसे पैसे कमा कमा के आपने पाकिस्तान तबाह कर लिया आप चाय पीते रहे जाके वहां पे आप बड़े बड़े अफसर आपके चाय पीते रहे हैं असम्बलियों में आप तारीफें उनकी करते रहे इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लगाते रहे आज वो आप उनके पाओ में पड़े हुए हैं और रोजाना आपको मार रहे हैं और पकड़ पकड़ के मार रहे हैं और अंदर घुस के मारने की धमकी दे चुके हैं आपको दिस इज वट जो फॉरन पॉलिसी है आप पिछली बात ना करें आज की बात कर लेते हैं पिछली ना बात करें चले वो तो भुट्टो साहब ने जो फाड़ा किया जो करें वो तो चलो ड्रामाबाजी थी भुट्टो साहब की बात करने में इसके हवाले से बात करना चाहूंगा आपकी खासकर बांग्लादेश के हवाले से लोग कह देते हैं याया या खान याया या खान ने किया ठीक है याया या खान ने भी किया होगा अब मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो मैं नई इंकशाफात थे इनके नाना के बारे में बात करना चाहूंगा बिलावल भुट्टो साहब के मैं जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि फिफ्टी फोर परसेंट पॉपुलेशन बंगाली थी सबसे पहले आपने उनकी जबान खत्म की आपने कहा उर्दू पढ़ो आप एक दूसरा आपने सबसे बड़ा बात आपने यह की कि उनका तरक्याती बजट चार करोड़ था हमारे सिर्फ पंजाब का तरक्याती है पांच करोड़ था एक सौ हंड्रेड सिक्सटी नाइन सीटों में से एक सौ साठ सीटें मुजीबुर रहमान जीते जब बांग्लादेश से तो याया खान ने कहा था कि अगला नेशनल असेंबली का इजलास जो है बंगला ढाका में होगा तो इनके बिलावल के नाना ने कहा था कि जो मेरा एम एन ए वहां जाएगा उसके मिठांगे तोड़ तो फिर आप आज पूछते हैं कि माजी की मैं बता रहा हूं बात आज और आज की बात बता रहा हूं आज बिलावल भुट्टो साहब जो है वो आ, मुझे मेरे छोटा सा क्वेश्चन ये है चार करोड़ लोग उन इन्हीं के 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 सूबे के, सिंध के, खुले आसमान नीचे बीमारियों से मर रहे हैं वाटर बॉर्न डिजीजे से खाने के लिए उनके पास पास कुछ नहीं मुलक बैंक्रप्सी के सर पे पहुंचा हुआ है वो अपनी टीम लेके अपने जहाज लेके नौ दिन के लिए वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं आपका क्या ख्याल है दिस इज दिस इज राइट डिसीजन राइट डिसीजन right और वो चले जो उनकी स्टेटमेंट है उन्होंने देनी वो किसी अपने टारगेट पे होंगे वो तो टेट फटेट दोनों साइडों से चल रहा है जो कुछ भी कर रहे हैं जो मेरा अल्टीमेटली अगर ये अगर, आप मुझे ये बताया है, इनका अगर बयानिया जो था डॉक्टर जयशंकर या इंडिया के बारे में ये था तो अपने उन्होंने तो अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर के खिलाफ भी बात कर दी तो ये दिस इज हा मेरी समय से ये बाहर है कब हम ओवरकम ऑल ऑफ दीज थिंगस हम मिच्योर कब होंगे और पचहत्तर साल के माजी को मैं गारंटी कर देता हूं आपके पाकिस्तान के अंदर आप हिस्ट्री गलत बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप अच्छी, अच्छी, अच्छी उनको फैक्ट बताए हो सकता है फ्यूचर में बच्चे सही डिसीजन लेने शुरू कर दें आज साहब खास अपने स्पीच में अपनी स्पीच में ये स्पीच में ये भी एडमिट लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं ये भी एडमिट किया उन्होंने तो फिर भागे नहीं तो क्या करें सर उन्होंने एक और बात की है अगर आपको याद हो उन्होंने कहा है कि वो उनके दौर में जो मजदूर थे वो भी बाहर से मंगवाने पड़े थे क्योंकि उनके पाकिस्तान में मजदूरों की कमी हो गई थी अनबले हाँ। मुझे इस बात पे जो है वो बड़ी मुश्किल से मैं हंसी रोक पाई थी उस वक्त भी और अभी भी अच्छा सारी सब चले ये जो आपने बात की ना देखिए अभी जो मैंने भुट्टो साहब की बात की तो हम तो भुट्टो साहब की बहुत सारी चीजों की तो हम तो बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं यानी जो वो उनकी था एक वो अलग बात है लेकिन कुछ ऐसे फैसले हुए जो की गलत थे तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी उस पर मैं आपसे आखिरी आप जो है वो कॉमेंट्स चाहूंगी की बिलावल भुट्टो ने जो बात की अगर वो ये चाहते थे कि भाई उस तरफ से दहशतगर्दी के हमें दोबारा से अटैक किया गया है उनको बुरा लगा था तो बात हो सकती थी लेकिन किसी और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कहा जा रहा है की ठीक है, ओके हमने सही है तो ये मतलब इससे क्या हमें मिलेगा कुछ भी नहीं लेकिन उसमें मैं एक बात बता। की तो जरूरत है इस भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सख्त जरूरत बल्कि ना सिर्फ भारत के साथ जिन मुल्कों के मैंने नाम लिया आपको ईरान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने पड़ेंगे अफगानिस्तान से भी ठीक करने पड़ेंगे अगर आपने तरक्की करनी और आपको चाइना के साथ भी रिलेशनशिप ठीक कर जिन जिन से आपके बॉर्डर मिलते हैं दिस इज मस्ट कि यू हैव टू तो फिक्स योर रिलेशनशिप विद अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा रेसिप्रोकुल बेसिस पे भारत हमसे बहुत आगे जा रहा है तरक्की इस में इसमें कोई शक नहीं एंड आई एम प्लीज विद इट आई एम हैप्पी विद इट देखिए हम तरक्की नहीं कर रहे तो ये इसके साथ उनको कहना कि इनकी तरक्की को ये गलत होगा तरक्की कर रहे हैं हमारे रीजन में है हमारे वी सेम आई एम वेरी हैप्पी विद लेकिन उनको भी ये सोचना होगा कि अगर आप तरक्की की मनाजल पे जा रहे हैं और पड़ोस में आग लगनी शुरू हो जाए तो इट विल स्टॉप योर ग्रोथ